गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 50वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ अखंड ज्योति की शोभा यात्रा के साथ स्मृति सभागार में पहुंचने पर शुरू हुआ। अखंड ज्योति के स्थापित होने पर दोनों ब्रह्मलीन महाराज जी की चित्त पर पुष्पांजलि के साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से पधारे अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राधवाचार्य जी महाराज सहित साधु संतों सा परिवार यजमानगणों एवं भक्त श्रद्धालु जन श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ की समृद्ध परंपरा को नई दिशा देने वाले युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज भारतीय संस्कृति एवं संतों योगियों की परंपरा के दिव्याकाश में चमकते हुए नक्षत्र हैं। उनका व्यक्तित्व कृतित्व तत्कालीन देश काल और परिस्थितियों की चुनौतियों का समाधान करते हुए देश समाज तथा धर्म को समर्पित था। उनकी पूर्ण स्मृति में प्रतिवर्ष सप्ताह भर धार्मिक आध्यात्मिक आयोजनों के साथ समसामयिक विषयों पर सम्मेलन आयोजित कर हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। धर्म भारत का प्राण है और संस्कृति भारत की आत्मा है। भारतीय धर्म और संस्कृति का दर्शन भारतीय धर्म ग्रंथों में होता है। श्रीमद् भागवत कथा भारतीय धर्म संस्कृति के ही मूल तत्व का उद्घाटन करती है। जब देश विपरीत परिस्थितियों में रहा है तथा संक्रमण काल से गुजरा है तो उस समय देश और समाज को एक करने का काम इन्हीं कथाओं ने किया है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि भारतीय धर्म संस्कृति की सुगंध घर घर में पहुँचे। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा भी दुष्टों के पतन तथा धर्म की प्रतिष्ठा हेतु भगवान के अवतरण की कथा है। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रारंभ ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जीवन की सभी समस्याओं के निदान का मार्ग प्रशस्त करती है। धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा और अधर्म का नाश भारतीय समाज का अभिष्ट रहा है और वो सदा बना रहेगा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करते हुए अयोध्या से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज ने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा गोरक्षपीठ में देखने को मिलती है। इस पीठ को पूरे देश के समाज के सजग प्रहरी द्वारपाल एवं संरक्षणकर्ता के रूप में संपूर्ण संत समाज स्वीकार कर रहा है। भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिलता है, अतः जीवन जब तक है उसे मानवता की रक्षा में भगवान की सेवा में श्री कृष्ण के कार्य में लगाएं, मोक्ष मिल जाएगा। कथा व्यास ने गुरु वंदना एवं संस्कृतन से कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा धर्म का सागर है, उसमें से यथा संभव पात्र अपनी पात्रता के अनुसार ही तत्व ग्रहण करते हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप है। देखने में ये पुराण लगता है किंतु सुनने में ये नित्य नूतन है। श्रीमद् भागवत कथा यशस्वी जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है और पाप से मुक्ति के साथ मोक्ष तक पहुँचता है। ये कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। अटूट निष्ठा और श्रद्धा में भक्त भगवान तक इस कथा के माध्यम से पहुंच सकता है। भगवान तो इतने दयालु हैं कि जो इन्हें दृढ़ता रहता है एक दिन वो स्वयं उसे ढूंढने लगते हैं। भगवान का दर्शन सदगुरु ही करा सकता है। कथा गुरु महिमा पर केंद्रित होती है तथा भक्त गुरु महिमा का महात्म श्रवण करने लगते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति ज्ञान बैराग और नारद ऋषि के संवाद का प्रवेश होता है। देवाश्री नारद की सनकादिद्ध ऋषियों से भेंट होती है और नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा हो जाती है। आज की कथा में भगवान कृष्ण का अपने धाम जाने परिश्रित का जन्म, महाराज के रूप में परिश्रित का राज्यारोहण, महाराणा परिश्रित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, श्राप से मुक्ति हेतु श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का प्रसंग के साथ गोकर्ण एवं धुंधकारी के जन्म के कथा का आनंद भक्त लेते रहे। श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ के यजमानों महंत रविन्द्रनाथ, सीताराम जायसवाल, जवाहरलाल कसोदन, पुष्पदंत जैन, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, अरुण कुमार अग्रवाल उर्फ लाला बाबू, विकास जालान, संतोष कुमार अग्रवाल उर्फ शशि जी, महेश पोद्दार, जितेंद्र बहादुर चंद्र, महेंद्र पाल सिंह, ओम प्रकाश करमचंदानी, श्रीमती उर्मिला सिंह, रेवती रमणदास अग्रवाल, अवधेश सिंह, अजय कुमार सिंह, प्रदीप जोशी, मृत्युंजय सिंह, श्रीचंद बंसल ने सपरिवार
परिवार व्यास पीठ का पूजन किया। मंच संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। कथा में हनुमानगढ़ी के धर्मदास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास जी महाराज, राम मिलन दास, संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, योगी मिथिलेश नाथ, सदर सांसद रवि किशन, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अतुल सिंह, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपराज चंद्र कौशिक, आनंद शाही, विजय शंकर यादव, भाजपा के डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जनार्दन तिवारी, राहुल श्रीवास्तव, धीरज सिंह हरीश, ब्रजेश मणि मिश्र, वरिष्ठ समाज सेवी श्री अरुणेश शाही, इंजीनियर पी के मल, रणजीत सिंह, डी पी शाही, पंडित रामानुजी त्रिपाठी, अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रंगनाथ मिश्र आदि लोग उपस्थित थे। महाराज
हमारे सभी पूज्य संतजन, श्रद्धालुजन और इस पवित्र आयोजन के मेजबानगण महंत रविंद्र दास जी, श्री ईश्वर मिश्रा जी, श्री जवाहरलाल कृष्णन जी, श्री सीताराम जायसवाल जी, कृष्णन जैन जी, ओम प्रकाश राधन जी, श्री चंद्रप्रकाश अग्रवाल जी, श्री गंगा राय जी, अरुण कुमार अग्रवाल और प्रभाव, श्री विकास राधन जी, श्री संतोष कुमार अग्रवाल जी, महेश प्रताप जी, जितेंद्र महादुर जी, मार्गिंद्र यादव जी, गोरख सिंह जी, ओम प्रकाश करमचंदानी जी, श्रीमती गोविंदा सिंह जी, श्री लेखेश्वर प्रदास अग्रवाल जी, श्री अजय सिंह जी, श्री अजय सिंह जी, श्री प्रदीप जोशी जी, श्री अपूर्ण सरदार जी, मृत्युंजय सिंह जी, श्री चंद्र बंसल जी और अन्य सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, मैं सबसे पहले इस साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान जगतगुरु स्वामी रामाचार्य जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के इस पवित्र आयोजन के लिए गोरखपुर के श्रद्धालुओं ने उपलब्ध किया है। हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष गोरख स्टील की ओर से अपने ब्रह्मी आचार्य के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस साप्ताहिक पुण्यतिथि का आयोजन उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये संयोग है कि ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और पूज्य महंत अजयनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि में एक दिन का ही अंतर है। आश्विन कृष्ण तृतीया ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि और आश्विन कृष्ण चतुर्थी यह ब्रह्मलीन महंत अजयनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि का पावन दिवस है। लेकिन विगत 5 दशक से पुण्यतिथि आयोजन का एक कार्यक्रम इसी श्रद्धा भाव के साथ वर्ष भी अपने पूज्य आचार्य के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अपने श्रद्धा सुमन उनके शिक्षकों में अर्पित करने के लिए यहाँ पर आयोजित करता है। इस आयोजन के साथ न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन जुड़ते हैं तो समसामयिक विषयों से संबंधित अनेक रचनात्मक गोष्ठियों का आयोजन भी इस अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह हम सबका सौभाग्य है कि इस वर्ष साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम के अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुओं को जगतगुरु रामाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा भारत की हजारों हजार वर्षों की एक जीवंत परंपरा को हम सब के सामने एक पावन कथा के रूप में हम सब के सामने प्रस्तुत होती हुई दिखाई देती है और ये पावन कथा
विगत 5000 वर्षों से भारत के सामाजिक, भारत के आध्यात्मिक जीवन में एक नया उत्साह और एक नया उमंग, विपरीत परिस्थितियों में उन्हें चुनौतियों से जूझने की एक नई प्रेरणा का स्रोत रही है और सम और विषम परिस्थितियों में सत्य का मार्ग, धर्म और न्याय के मार्ग को अनुसरण करने की सदैव प्रेरणा प्रदान करता है। आज जब पूरे देश के अंदर लोगों में उत्साह है, याद करिए जब हम आधुनिक संचार माध्यमों के माध्यम से सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को बहुत नजदीक से महसूस करते हैं, लेकिन आज से 3000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले का कालखंड कैसा रहा होगा, न यातायात के साधन थे, न संचार के साधन थे। उस कालखंड में भी इन प्रथाओं ने भारत के जीवन में एक नया उत्साह, एक नया उमंग भरने और पूरे भारत को एकजुट करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आज ये पावन कथा हजारों वर्षों के बाद भी उसी भाव और भावना के साथ पूरे देश के अंदर और विश्वास की बात करनी है। स्वाभाविक रूप से भारत की परंपरा में व्यास की एक सर्वोच्च पीठ बन गया श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे अन्य महाराज
जी महाराज दिग्विजयनाथ महाराज गणेश करने के लिए और सप्ताह पर्यंत इस समाचार में सभी श्रद्धालुओं को इस कथा का प्रसारण कराने के लिए अब मैं गोरक्ष पीठ प्रांगण स्थित इस विजयनाथ सभागार का मंच अयोध्या धाम से पधारे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान लेने के लिए यह मंच व्यासपीठाचार्य स्वामी रघुवाचार्य महाराज को सादर समर्पित कर रहा हूँ। निकल जाएंगे Thank you.
जो
के माध्यम से ही कह सकते हैं। शब्द के बिना दुनिया का कोई भी ज्ञान विज्ञान हो नहीं सकता। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सारे ज्ञान का मूल अनादि शब्द राशि वेद को सुना है। कहते हैं यज्ञ नतर
और जो उनके पास गए और जाकर बोले कि हमको पढ़ाओ, तो उनको ज्ञान दिया। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ पर
आदमी एकत्र हुए और यज्ञ आदि कर्म से निवृत्त होने के बाद श्री सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर ज्ञान लिया। सूत जी से पूछा शौनक जी ने, ये भगवान सूताध्याय कथा सारम मम कर्ण वसायन, आप ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे कानों में जाकर रसायन का काम करे और कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधन तत्पदा। जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे ऐसे साधन का आप मिले, ऐसा प्रश्न करने पर सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा ये शौनक मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। क्यों सुनाएंगे, कथा सुनने की योग्यता क्या है? तो सूत जी कहते हैं कि प्रीति ही शौनक चित्ते यथोपचमी विचार्य च। ये शौनक तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है इसलिए मैं तुमको कथा कथा सुनने की सबसे बड़ी पात्रता क्या है? ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, वैश्य होना, स्त्री होना, पुरुष होना, धनवान होना, विद्वान होना, बुद्धिमान होना, ये सब पात्रता नहीं। भगवान की कथा सुनने की सबसे बड़ी पात्रता क्या है? विपरीत भगवान के चरणों में प्रीत। सूत जी ने कहा प्रीति ही शौनक चित्ते यतो वचमी विचार्य च, इसलिए मैं तुमको भगवान की कथा सुनाऊंगा। और सूत जी महाराज कथा का वर्णन कर लिए। सूत जी कहते हैं ये मुनियों मन को पवित्र करने वाला सबसे बड़ा साधन अगर कोई है तो भगवान की कथा, इसको समझना आप लोग। मन के पवित्रता की बड़ी बातें होती, बड़ी बड़ी बातें। सामान्य आदमी भी जब बात करता है तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे नहीं करता। आज तो स्वामी तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कि ब्रह्म ज्ञान बिल नार नर करहि प्रोसर बात और कौड़ी लाखी मोह वश करे करहि बिल प्रगुरु। हाँ, ज्ञान तो होता नहीं, ब्रह्म ज्ञान से ही बात सुन लो। और सामान्य व्यक्ति से पूछो तो भी कहेगा ये करने से क्या होता, मन पवित्र होना चाहिए। ये लाइन सब हो जाते तुरंत लोग तर्क देते हैं भाई ये करने से क्या मन पवित्र हो, और प्रमाण एक हड़ताली बोल देंगे तो क्या मन चंगा तो कटौती में गंगा सब की जीवा। लेकिन ये विचारणीय है कि मन चंगा हो कैसे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो सत्य है प्रामाणिक है, लेकिन ये मन चंगा कैसे हो कहने से थोड़ी होगा। मन को चंगा करने का कोई उपाय हुआ, मन कैसे पवित्र हो इसका प्रमाण देते हैं वेदव्यास। वेदव्यास जी कहते हैं कि मन को पवित्र करने का अगर दुनिया में कोई साधन है तो भगवान की कथा है। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। जगत के निर्माण उथल पुथल सुख दुख सब का हेतु करती है मन, आप जो भी करते हो सुख मन कथा भी हो रही है मन का तो मन कैसे सुख हो। तो वेद व्यास जी कहते हैं भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को सुख